दोस्तों एक वीडियो सामने आता है जिसमें तीन लोगों को भीड़ घेरती है। उनके घेराव के लिए गलियों से लेकर छतों तक लोग दिखाई देते हैं और फिर उन युवकों को पकड़ लिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। मगर बात यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मारपीट के एक वीडियो के साथ दावा किया जाता है कि गाज़ियाबाद में मुस्लिम बुज़ुर्ग की पिटाई के आरोपियों को जनता ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं Time24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद उसकी सच्चाई तक पहुंचेंगे। मगर ध्यान रहे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए पहले उस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हजारों लोगों द्वारा इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि वीडियो में भीड़ जिन लोगों की पिटाई कर रही है वो हाल ही में गाज़ियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुज़ुर्ग अब्दुल समद सैफी की पिटाई और दाढ़ी काटने के आरोपी हैं। वीडियो के कैप्शन चाहे अलग अलग लिखे गए हों मगर इस स्क्रीनशॉट को देखकर समझा जा सकता है कि मतलब सभी का एक है। इन्हें शेयर करने वाले सभी लोग मुस्लिम हैं, जो कि समुदाय विशेष के लोगों को यूनाइटेड रहने के लिए लिखते नज़र आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि समद के आरोपियों को लोनी में भीड़ ने पकड़ कर पीटा है। एकता से रहोगे तो न सिर्फ बदला ले सकोगे बल्कि कोई हावी नहीं हो सकेगा। दोस्तों मगर क्या वीडियो के साथ किए जा रहे दावे सही हैं? क्या ये वीडियो वाकई गाज़ियाबाद के लोनी का है? क्या वाकई जिन लोगों को भीड़ पकड़ रही है ये बुलंदशहर निवासी बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट के आरोपी हैं? अगर आप सोच रहे हैं हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर NDTV का ये स्क्रीनशॉट देखें जिसमें रिपोर्ट किया गया कि जाफराबाद में सब्जी वाले से रंगदारी मांगने आए तीन लोगों को भीड़ ने पकड़ कर पीटा। इतना ही नहीं, अब आप ये आर भारत से ली गई क्लिप का एक हिस्सा भी देखिए जिसमें बताया गया है कि रंगदारी के तीन आरोपियों का दिल्ली के जाफराबाद में भीड़ अपने अंदाज में इंसाफ कर रही है, जिसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली के जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। सब्जी मंडी में 200 लोग तीन लोगों को मारते हुए नजर आए हैं। जिन तीन लोगों को मारा जा रहा है उन पर वसूली करने का आरोप है। भीड़ ने पिटाई करने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी सकते में डाल सकती है कि आखिर भीड़ कैसे इस तरह से इंसाफ कर सकती है। तस्वीरें आप देखिए, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। आर भारत और NDTV के मुताबिक ये घटना 12 जून या उससे पहले की है, यानी इन दोनों न्यूज़ चैनल पर यह वीडियो 12 जून को रन हुआ था। तो हमारी इस पड़ताल में ये साफ हो गया कि वीडियो लोनी का नहीं बल्कि जाफराबाद का है और ये वीडियो में पिटाई खाने वाले लोग समद के आरोपी नहीं बल्कि रंगदारी के आरोपी थे। यानी हमारी इस पड़ताल में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावे गलत साबित हुए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और हाँ, ऐसी कोई वीडियो या ऐसा कोई संदेश आपके पास आता है जिसे लेकर आपको संदेह हो तो आप उस वीडियो या उस संदेश को हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पर भेज सकते हैं, क्योंकि Time24 न्यूज़ की टीम उसकी पड़ताल के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और दोस्तों इससे पहले हमने नोएडा पुलिस की एक खबर चलाई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे पुलिस ने चालाकी से एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।